भाई मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे वैसा है, सुधा साधा कुछ नहीं करे, अनको आया अनको गया, हम जाना कौन भाई, हम जाना कौन, झूठी बात के मार तो चौधरी सीएम साहब गए थे नहीं यहाँ से, जबकि बाद में हमें तो मुख्यमंत्री वाली का गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनिया। हाँ, हमने वो आके एक बार हॉर्न सुना देनी, यानी कि भजनलाल के बाद। हाँ, तो इस बात में एक बार सीएम का हॉर्न बाज जानी तो कालजा खुल जाए, तो हमारे इसने आके काम तो दूर रहा, इसने हॉर्न भी नहीं बजाया बस स्टैंड के ऊपर। इसका मतलब और बार बार केजरीवाल आ रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा किया उसने, अच्छा किया है तभी दोबारा आए। लोकतंत्र तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, जब एक बार नोटबंदी लगा लो आप, उसने अकेले मोदी ने नोटबंदी कर दी, किसी को संसद में पूछा मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, किसी को संदेश दिया, रातों रात 12 बजे घोषणा कर दिया, रातों रात 12 बजे घोषणा कर देता है, ये लोकतंत्र का हनन है कि नहीं है? तो लोकतंत्र तो बंद ही हो रहा है, लोकतंत्र था कब, लोकतंत्र नहीं है हरियाणा के अंदर, ना भारत के अंदर लोकतंत्र। हाँ, अब वो विदेशों में जा रहा है, जहाज में कहीं कहीं, वहां तुम्हारी इमेज बना रहा हूँ, अरे हमारी तो गोभी खोदने लाग रहा, तू टैक्स पर टैक्स थोपन लाग रहा, एक यो पीपी वेरानी की पीपी चला दी, मेरे पल्ले 1.5 किलो बीमा दाना हुआ खाने वाला, बोले तेरे इनकम 5 लाख रुपये, तो 5 डलवा तो सरी खाता में, फिर तो बता दिया 5 होगी, मारा है हमारा खाता में तो 1800 रुपये पड़े हैं, 2000 बोले थाना वो देने लाग रहा मैं, अरे तो देवे तो के है तेने बेरो के 2000 रुपये हम खाते का कट्टा दो ही को नहीं आवे। लेकिन सरकार कह रही कि पारदर्शिता के लिए बहुत सारे पोर्टल बना रखे हैं, है ना, प्रॉपर्टी आईडी बनती है, परिवार पहचान पत्र है, केसीसी है, बहुत सारी चीजें, तो इनमें एक बात बताओ, जो आदमी अनपढ़ है वो इन चीजों को जानता है? हाँ, तो उसको तो वो कचेरी में चक्कर काटे जाओ, आ जाओ चक्कर काटो रहो, उसको 20 दिन लग जाते हैं, 20 दिन लग जाते हैं, कागज पूरे नहीं होते। हमारे हिसाब तो केजरीवाल तो माहौल की जनता, भारतीय जनता पार्टी आनी है जी। और बेफालतू की बात है, क्यों खाम खा का कोई जिगर जोड़ने की बात है, जीतनी ये है। नहीं, ऐसा मतलब क्यों लग रहा आपको? क्यों लग रहा कि अगर ये काम करे हैं, काम करने या जीतेगा कोई इंसान है, अच्छा करेगा काम में सरपंच बनेगा, अच्छा करेगा एमएलए बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, अच्छाई पे है, गुंडे तो कर करके देख लिए पीछे, गुंडा तो किमी चालने, गुंडाई तो चालनी ही नहीं है, अच्छाई का नाम बड़ा है, कोई काम करेगा वो जीतेगा। तो आपके अनुसार बीजेपी अच्छा काम कर, अच्छा काम कर रही है? अब जैसे केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में लगातार 2 बार से इनकी सरकार है, तीसरी बार आप मानते होगी इनकी, तो इस हिसाब से आवेगी फिर, काम कोई अच्छा करेगा उसकी आओगी। अमीर गरीब की खाली चोरी होती आवे। अच्छा, हाँ देख लो, गरीब गरीब ही होंदो आवा है, अमीर अमीर ही मन तो जाए। अच्छा, हाँ, और यह भाजपा ने सोचा ना भाई पूरा बड़ो काम करियो है, मारा हलकम कोई काम को नहीं। अब वो बता रहे थे कि बहुत सारे काम करे, ये रे यो भाई यो कर नहीं खड़ी है, दूरी कौन धरियो, तो ये सारी मेल का हुआ है, हाँ सारी मेल का आदमी आवा है, क्यों बताओगे, कोई माड़ी बतानियों भी है, काम मारे कोई नहीं हुआ ना, सड़क की मारी बीड़ी करिए, सड़क आप बता रहे थे 22 से 18 की कर दी। हाँ, 22 से 18 ही कर दी, तो इसमें फायदा करे नुकसान, नुकसान हो गया तो है, नुकसान हो गया, हर चीज में बीज में लगा लियो, क्या में लगा लियो, सही ये कह रहे, हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर तो धोख मारना चाहिए, कितना ही मंदिर कर लियो चाहिए, सब ज्यादा तो हनुमान जी का मंदिर है, कोनी मंदिर सारा मंदिर हम कड़े माथो टेक लियो चाहिए, मंदिरों के कि मैं पेट भर के, पेट तो भरा को विकास करया है, एक भी दाना दे दिया और जा अगले प्लान आ जियो, मोदी जी एक ही दानो दे दिया तो। अच्छा, हाँ दानो नहीं देगो बिल्कुल भी, ये तो दाना दे लेवे है, लोग देख गद्दा गद्दो बड़े लेवे है, 5-5 किलो राशन, हाँ ये 5-5 किलो, और आग आ जाए तो एक दानो दे दिया तो बात किसी है, हैं वोट भी कौन पड़ेगा आग आ गयो तो, या ले या और बता दी थाने। अच्छा, तोड़ की बात कर दी पूरी, अब जैसे क्योंकि देखो शिक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य रोजगार इन पे ध्यान, अन पर ध्यान नहीं है बिल्कुल भी भाई, कहना शिक्षा पर पढ़ाई पर तो ध्यान ही कोनी, प्राइवेट अड़ंगो कर दियो सारो, पढ़ो तो भाई पैसा लगेगा है ना, सरकारी स्कूल बंद कर दिया वही, ये दाणा दी है भाई बोले दाणा में तो हम तो गरीब ले गरीब करता जाओ दाणो, अमीर कोनी हो कदे भी, ठीक ही माड़ा करेगा उसका आप आगे आ जाओ, गंग में काम कर आ जाओ, जब अच्छे काम करा जीत जाऊंगा, गलत बात हमें था, अच्छा ही पे बड़ी बात है साहब, गलत बात नहीं, ठीक है बिल्कुल। आपका नाम बताओ जी? चंद्रबाल। चंद्रबाल, तो आप क्या कहेंगे भाई? बदलाव करेंगे हरियाणा में, बदलाव। हाँ, कैसा बदलाव भाई? कांग्रेस का आ जाओ, कांग्रेस का। हाँ, अशोक बानिए जाएंगे वोट भाई। अच्छा, हाँ हमारा गांव का टिकट मिल गई ना, हमारा गांव का सारा वोट उसके जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अब जैसे ताऊ जी कह रहे थे कि बीजेपी वाले अच्छे काम कर रहे हैं, अभी ये कह रहे थे कि अच्छे काम कर, कोई काम कौन कर रखे भाई, कोई काम भी हमारा तो बोली भी कौन नहीं होती। अच्छा, सिस्टम की कोई मंगाली अड़पानी है ना बताने।
अच्छा इन्होंने काम होने नहीं दिया। हाँ जाओगे वोट भाई के तो विषय। और जो ये आपके विधायक ने करा कोई काम ना? कौन करे क्यों नहीं? जमींदार का कोई फायदा नहीं हुआ जी। ये आप मेरे कहीं पा जी। लेकिन ये बीजेपी वाले कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास करते हैं। इनका क्रिया के हम जमींदार ही है यहाँ के। इतना बड़ा काम है, पांच पंचायत है यहाँ। बिल्कुल पांच पंचायत है ये। मैं तो ये आपने कही थी बात, जमींदार सबसे नीचे आया है, सबसे नीचे नरमा तो मोल तो दे बीज तो वो थैली में गाल के जैसे भाई ये वीटी है और वो यो फवा और फिर उसने खरीदा कौन ही 6,000 रुपए तो 7,000 तो लग जाए खर्चा और लेवा कौन 4,000 सरकार नुकसान में ये जमींदार पर ही होगा कि वो अगली फसल बोए किस चीज से कैसे बोए ये बता दो। फायदा है नुकसान जमींदार के उसकी तो लागत ही पूरी नहीं होती तो ये बता जमींदार को कितनी। वो कॉलेज की घोषणा हो रखी थी, उसकी क्लासे लग रही स्कूल में। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, ये एक बच्चों की कमी है। अरे रोड के ऊपर क्लास तो हम भी लगा सका, सरकार के करे मारा। अगर मारे गोद में पीसा हुआ है तो हम ही कितने बैठे बच्चे ने पढ़ा लिया। वो कॉलेज की मंजूरी दी तक वहां ईट तक को नहीं आई, कैसा लोगे? पंचायत की जमीन थी, गांव में कुछ दो आने पंचायत के पास पैसे आते तो गांव की खाली नाली बन जाती, वो भी सरकार ने बंद कर दी ना आदमियों। अब जमींदारा है, मैं जमींदार हूँ बिल्कुल, बिल्कुल बीज नकली दे रहा है, गलत काम करने वाले के साथ दे रही है, अच्छे काम करने वाले का साथ या सरकार नहीं दे रही। इसको वोट तो चलो मोदी बहुत अच्छा है, माड़ा नहीं मानना इसको, देश के लिए अच्छा आदमी मानना इसको, अच्छा है यो कानून का। मैंने ये जमींदार के साथ गलत कर रहा है, इनको दूसरा को बढ़ावा दे रहा है। जमींदार का एक भी बीज असली कौन थोड़े इसने बोने का, सब नकली कर दिया। आप लोगों ने तो लंबा आंदोलन भी किया था दिल्ली में, लंबा काले कारणों के। जमींदार के पास है क्या करेगा जमींदार बेचारे? भूखमर दे आगे वाके दे दिया इसने, कुछ नहीं इसके पास देने के लिए। रो और बैठे रहो, सड़क पर बैठे नहीं, वो दो आदमी उनका दोया का अपना देगा, 100 आदमी उसके पीछे जुड़ जाएंगे। भाई दोया का काम सड़क पे बैठे कर दिया, 100 पीछे जुड़ गए तो 1,000 आदमी कर देगा, तो एक स्टेट में तो मान ले 50,000 आदमी जुड़ जाएगा, ये इलेक्शन जीत जाएगा, बस बात यह है। तो मनोहर लाल खट्टर को लेके क्या कहोगे? भाई मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे वैसा है, सुधा सादा कुछ नहीं करे, अनको आया अनको गया, हम जाना को नहीं भाई। हम जाना को नहीं, झूठी बात के मार तो चौधरी सीएम साहब गए थे नहीं यहाँ से, जबकि बाद में हमें तो मुख्यमंत्री वाली का गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुना। हाँ हमने वो आके एक बार हॉर्न सुना दे नहीं, यानी कि भजनलाल के बाद। हाँ तो इस बात में एक बार सीएम का हॉर्न बाज जाने तो कालजा खुल जाए। तो हमारे इसने आके काम तो दूर रहा, इसने हॉर्न भी नहीं बजाया बस स्टैंड के ऊपर। ठीक करें ताऊ जी, क्योंकि देखो ये धरातल की बात बता रहे हैं, खुद किसान है, खेती करते हैं। ये विधायक तो है, मैंने वैसे हमारे के हिसाब का है ये, आप आपके आदमियों का काम करता है, वैसे अड्डे बड्डे सबका काम नहीं करते। क्योंकि देखो आप पंचायती आदमी, अच्छी बात बताओगे, गांव की बात। अच्छा काम नहीं करा इसने, स्वास्थ्य काम एक भी नहीं करा, इसका मूडी कर देने गांव। जब जाके कोई आना काट के देखे उनके, इसके के घर से लगे ना, वो सरकार का बजट है। सरकार ये हमारे रावत खड़ा रोड देखो, बता रहे थे हमारे गाँव का एक नंबर का स्कूल है टाइगोर, उसमें बड़े बच्चे जाते हैं। हाँ टाइगोर हाई स्कूल बोलते हैं, और उसकी बिरून माटी देखो यहाँ से, जो राउत खड़ा गांव के आते नहीं, वे आगे जाके पूछते हैं भाई राउत खड़ा रोड कहाँ है, उस रोड का बोल्ड भी नहीं है। हाँ रोड भी गायब कर, राउत खड़ा का बोल्ड भी नहीं है, वहाँ टागोर स्कूल लिखा हुआ है। हाँ आप जाके देखो, चुनाव में तो भी इसका बुरे हालत होने वाली है भाई। बात देखो ये गाँव में हमें क्या करेगा भाई, मारती मतलब बनिया बोल रहे हैं पूरे, तो बनिया भाई क्या करे जी। हाँ पहले तो भाई आप पढ़ाई, बाणिया को टिकट मिलती नहीं मिलती वो भी तो चक्कर है ना भाई। देखो मिलेगी तो बाणिया का मुकद्दर की बात, यानी कि अगर मिलती है तो आप इनके साथ हैं। हाँ बाणिया के वोट देंगे फिर तो भाई, बाणिया के साथ है, गांव का है हमारे। पार्टी कौन सी ठीक लगती है आपको? अगर पार्टी तो ये सारी ठीक है, मतलब ये हमारे गाँव का है, गाँव का वोट देंगे। सुनो जिस तरह हमारा विधायक खुद का ही बनाया है, तो हमने सोचा भाई चोर वो नहीं है जिसको मनाते हैं, वो तो ग्रांट लेके देते हैं, बीच में चोर बैठे हैं, अफसर चोर हैं, लगाएड़े सपारसी भरे रखे हैं। अरे स्कूल में भी बताऊं आपने, 20-1 मेरे साथ चलो इंटरव्यू लेवांगे, मैडम ने कह गड़े को बीज वहां पे देखे हैं, हमारा में लगाओ। नहीं 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 ऐसी लग रही है जो देश का नाश करने लग रही है, जब गुस्सा तो आ भाई अपने देश का। हाँ देखो नहीं अब ठीक बढ़िया बढ़िया छोरे लगाए, कह रहे बिना पर्ची बिना खर्ची लगा रहे हैं। नहीं नहीं ये तो लगा रहे हैं, अब तो लगा रहे हैं, पहला वाले चोर जो लगे हुए हैं ना, पहला के सिफारिश भर के पैसे लगा लगा के भर रखे हैं, वो सरकार को करप्ट कर रहे हैं, सरकार को करप्ट कर रहे हैं। बड़े एमएलए के करेगा, ग्रांट आ जाएगी 1.5 करोड़ सरपंच के खर्चा लग रहा है, सरपंच जी बनी जाते वो क्यों लगाओगा ग्रांट, वो जेब भरेगा कोनी, वो 1.5 करोड़ करते पूरे करेगा, बब्बू देव का उसने जमीन बेचनी पड़े।
ऊपर तो ग्रांट आ जाएगी, यहाँ लगा को नहीं पूरा करते हैं। हाँ। बने नहीं, वो ही खर्चा लगा कर बने, वो ही आपको घर भरे, सरपंच खर्चा लगा आपको घर भरे, खतर बनावे लगभग लोगों ने मिले की कौन मिले, धक्का मिले धक्का लोगों ने की कौन मिले। दिल्ली दिल्ली दिल है पूरे मतलब हिंदुस्तान का देश का, अरुण में पढ़े हुए ग्रेजुएट बंदे हैं ज्यादा, तब भी वो सरकारी में भेज रहे हैं इसका मतलब, और बार बार केजरीवाल आ रहा है इसका मतलब कुछ अच्छा किया उसने, अच्छा किया है तभी दोबारा आए हैं। बाकी वीरेंद्र सिंह की वो बताऊं आपने, वीरेंद्र सिंह एमपी आया तो वो के सोचा भाई हम वीरेंद्र जो भी है उनका लड़का भी आया, वो भी आया, हम नहीं जानते उनको किन के कारण वोट मिले मोदी, दूसरा हमारे रणबीर गंगवा है। अगर वो ग्रांट यहाँ नहीं देते तो इसका मतलब रणबीर गंगवा कह नहीं सकते भाई मेरे काम में दो, और गंगवा साहब ने जिसको दिए वो आगे चोर लाग रहे के कराई भी उनने भी देने पड़े, क्यों नहीं वोट को नहीं आवे वो भी जरूरी रहा, बैठ की रणनीति जरूरी है लेकिन थोड़ी सी रणनीति गंगवा साहब लगा लो, या हर नेता के लिए मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि अपने जो फील्ड के बंदे हैं या जो काम करते हैं अच्छाई के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आगे ला के काम गाम के उनको दो, जो एक रुपया नहीं खाता हो तब तो काम के काम होंगे। सार्वजनिक समिति बनाए कोई गांव में गठित करे, कोई जरूरी थोड़ी है पुराने अफसरों को, कोई सरपंच हाँ कमेटी बनाई जाए। अब जिस तरह सरपंच चुन लिए कह रहे हैं सरपंच सरपंच खा जाते हैं, खाएंगे भाई तुम कौन खाओ, उससे ऊपर कौन खावा है, कौन ना खावा तो उनके दिखाओ धन उनका हिसाब दो, मैंने किस चीज के पेट्रोल पंप लागे और किस चीज के वो ये गाड़ियां मर्सिडीज में घुमाए, दो साल बाद में मर्सिडीज में घूमने लग जाए उनके बाड़ा के बड़े स्कूलों में पढ़ने लग जाए। मेरा कहने का मतलब रीति तो है थोड़ा थोड़ा कम खाओ नमक, जिस तरह आटा में नमक लगा के खावा नहीं उस तरह खाओ, औरंगी इस चीज क्यों करो खाओ, लेकिन मैं यूं कहूँ खाओ, लेकिन इन बेचारांगी सरपंच के कसूर है, इनके खा गए इनका क्यों खावा, इनने भी खाने दो, डेढ़ डेढ़ करोड़ दो दो करोड़ लगाए बैठे हैं खाने दो, अरे का खाया करते तो भी तो लगाया तो करते, ये सीधे की टाइम मेरे गुण बटे कौन खा गया। ठीक आप वो जोड़ वाली बात कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रखी है गांव में पैसा आया लेकिन अभी चले खा के ये बात जोड़ में बतावे जी 80 लाख रुपए लगे हैं, मैं कहूं 80 रुपए भी कौन लगे, यहां की मिट्टी और बेच के खा गए। अच्छा हां जाके आप देखो जोड़ में, और खट्टर साहब ने ऑनलाइन वो देखा भी था उस दिन पूरा फंक्शन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे 80 रुपए लगे हुए भी नहीं दिख रहे, यहाँ की मिट्टी थी वो 1000 रुपए की तो मैंने खरीदी है, मेरे छात पे गिराई है 1000 रुपए मेरे से लिए थे उन्होंने, औरों ने भी खरीदी होगी इस तरह होया जी। इस जोड़ के बाहर मैंने सरपंच साहब को कहा था भाई पेड़ पौधे लगवा दो गंदगी हो रही है, बल्कि पहले ठीक था पहले डर नहीं था बच्चे इसमें जावे, बजट तो इसलिए था ना सौंदर्यकरण करने के लिए, सौंदर्यकरण इसीलिए सौंदर्यकरण इतना बढ़िया है जी, एक बार आप देखो उसकी फोटो दिखाओ आप मीडिया पे तभी पता चलेगा, यूं मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या था पहले हमें डर नहीं था, कोई बालक छोटे बच्चे या कोई भी था डंगर तीन तो गाय मर गई इसके अंदर, इसके अंदर गाय पड़ गई और निकालने के लिए कोई नहीं आया, तीन दिन बेचारी मरी पड़ी रही, बदबू आने लगी, जब यू अपने अड्डे पे आए उसने निकाल के बाहर घेरी है, तो हालत खराब है जी, सही नहीं है। समय के साथ विकास तो होता है लेकिन सरकार का इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ विशेष किया होगा, कुछ नहीं करा जी। ठीक है मोदी साहब के हिसाब से हिंदू हिंदू जो धर्म है ना उसको बचाए रखने के लिए मोदी साहब को वोट दे रहे हैं और देंगे वोट, राम मंदिर बना दिया अभी, राम मंदिर को लेके भी कुछ भी लगाओ जी, धार्मिकता है इनके अंदर। चंडीगढ़ का मेयर वाला बता रहे हो? हाँ चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर 30 वोट कांग्रेस प्लस आपके थे, फिर भी मोदी ने 8 वोट खारिज करवा दिए उनके और खुद का मेयर बना दिया, तो वो यहाँ हारेगा क्या? आप और मैं कुछ भी करते रहो, इंटरव्यू लेते रहो, कुछ भी करते रहो, वोट तो वहीं जाएंगे, वोट वहीं जाएंगे, कोई कुछ भी कहे चाहे, लोग इस बात से परिचित हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बैठ रही है सबके, वोट वहीं जाएंगे। हाँ वो सामने दिखा रहा है वीडियो, आपने भी देखा होगा, सामने दिखा रहा है, वो साइन खुद मार रहा है। हाँ वो कौन है, मुसलमान है कौन है, वो पर्चियों को खुद मार कर रहा है, हाँ खुद मार कर रहा है वो, 8 वोट उसने रद्द किए। वो एक बात बताओ आप, जो मेयर का चुनाव लड़ेगा और जो एमसी का चुनाव लड़ेगा वो अनपढ़ होगा क्या? उनको पता नहीं है वोट कहाँ डालना है, फिर भी उनके वोट रद्द कैसे रद्द हो गए? इन्होंने करवाए हैं और करवाएंगे, आगे भी करवाएंगे।